हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय वीडियो। आइए आज मैं आपके लिए आईज़ मेकअप लेकर आई हूँ। मैंने आईज़ मेकअप अपने हाथ पर करके दिखाया है। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस अपने हाथ पर जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही आपका आईज़ मेकअप बहुत अच्छा निखर के आएगा। ये देखिए, ये जो आपको आईज़ मेकअप दिखाई दे रहा है, ये मैंने कैसे बनाया और कैसे इसमें कलर्स वगैरह डाले, तो ये पूरी वीडियो देखने के लिए मेरी वीडियो में एंड तक बने रहे और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये कैसे क्रिएट किया और कैसे बनाया। ये मैंने अपने स्टूडेंट को सिखाया, अपने हाथ पर आईज़ मेकअप करके दिखाया, क्योंकि फ्रेंड्स हर बार अगर हम आईज़ पर करते हैं तो आईज़ पर इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। इसलिए फ्रेंड्स, अपने हाथ पर अगर प्रैक्टिस करते हो तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है और आप अच्छे से करना सीख जाते हो। अगर आप हाथ पे अच्छे से आईज़ मेकअप करना सीख गए तो आप कैसी भी आईज़ हो, कैसा भी आईज़ मेकअप हो, आप अच्छे से कर सकते हो। ये देखिए, तो ये मैंने लुक कैसे बनाया, ये देखने के लिए बने रहे मेरी वीडियो में एंड तक। और जो फ्रेंड्स मेरी वीडियो पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उन्हें मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अब मैंने कैसे किया ये आईज़ मेकअप। ये देखिए, तो फ्रेंड्स कमेंट करके मुझे बताना कि मेरा ये आईज़ मेकअप आपको कैसा लगा, और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ये भी बताना आप मुझे कहां से देख रहे हो। मेरी वीडियो में यहां तक आ चुके हो तो ये भी देखिए मैंने कैसे बनाया ये लुक। तो सबसे पहले मैंने अपने हाथ पे लगाया बेस, सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके बाद जो मेरे हाथ पर या अगर हम फेस पे मेकअप करते हैं जो भी प्रॉब्लम होती है सबसे पहले उसे हाइड करते हैं। तो मैंने हाथ पे भी ऐसे ये हल्का सा निशान था, मैंने इसको हाइड किया अच्छे से। पूरे हैंड पर मैंने थोड़ा बेस लगाया ताकि मैं जो आईज़ मेकअप करूँगी वो अच्छे से उभर के आए और आप सबको पसंद आए। जैसे हम फेस पर बेस लगाते हैं, फेस की स्किन को तैयार करते हैं, ऐसे ही मैंने हैंड की स्किन को तैयार किया, बेस लगाया और ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर दिया। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने ये थोड़ा फाउंडेशन और लगाया, कंसीलर लगाने के बाद मैंने फाउंडेशन लगाया और मैं इसको भी बहुत अच्छे से ब्लेंड करूंगी। ये मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड किया, उसके बाद मैंने लूज़ पाउडर का यूज़ किया ताकि मैंने जो प्रोडक्ट लगाया वो अच्छे से सेट हो जाए। फ्रेंड्स, अगर हम फाउंडेशन या कंसीलर जो भी लगाते हैं हमें सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, सेट करने के बाद ही उसकी फिनिशिंग आती है और लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। ये देखिए, मेरा बेस हो चुका है कम्प्लीट। अब मैंने ये आईब्रो को ड्रॉ किया, पहले जो शेप मुझे बनाने अच्छे से आईब्रो को ड्रॉ किया और उसके बाद मैंने ये थोड़ी फिनिशिंग की। और थोड़ा सा मैंने और अच्छे से नेचुरल लुक देने के लिए लाइनर से थोड़ा और अच्छे से फिनिशिंग की आईब्रोज की।
इसके बाद मुझे जो भी कलर यूज़ करना है या जैसी भी मुझे आई की शेड देनी है मैं वो कलर उठाऊंगी। मैंने पिंक कलर लिया फ्रेंड्स, पिंक कलर से मैं कट क्रीज बनाऊंगी। जो मेरा आई बोल का एरिया है मैंने उसको ड्रॉ किया और कलर लगाया, अच्छे से आई शेडो को ब्लेंड किया। फ्रेंड्स जितनी अच्छी हमारी ब्लेंडिंग होती है हमारा मेकअप उतना ही उभर के आता है, इसलिए ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत होती है। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा डार्क मेहरून कलर लगाया, मैं थोड़ा सा डार्क करने के लिए मैंने इसके ऊपर डार्क कलर लगाया और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने लिया कंसीलर, कंसीलर से मैंने ये जो मेरी कट क्रीज है मैंने कट क्रीज बनाई, जिससे मेरा आईबॉल का एरिया थोड़ा उभर के आए। ये देखिए मैंने कट क्रीज बनाई ब्रश की हेल्प से। फ्रेंड्स आप वीडियो को सामने चलाकर रखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बहुत अच्छे से आईज मेकअप कर सकेंगे। तो कोई भी काम हो फ्रेंड्स प्रैक्टिस के बिना अधूरा है, इसलिए जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका काम उभर के आएगा। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ये देखिए मैंने थोड़ा आईज़ का जो बैक का एरिया होता है मैंने उसको थोड़ा सा डार्क किया और आगे की साइड मैंने ग्लिटर लगाया। ये देखिए आप इसे चाहे ब्रश की हेल्प से लगा सकते हैं और चाहे उंगली की हेल्प से लगा सकते हैं। ये देखिए उंगली से भी बहुत अच्छा चिपक जाता है ये। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कलर नीचे की साइड भी लगाया, आईज़ के नीचे की साइड, और उसके बाद मैं लाइनर से लाइन ड्रॉ करूँगी जहाँ तक मुझे आईज़ अपनी बनानी है वहाँ तक मैंने लाइनर लगाया। ये देखिए फ्रेंड्स लाइनर आप अपनी मर्ज़ी से जैसा भी लगाना चाहे, मोटा या पतला जैसे आपको पसंद हो आप वैसे ही लाइनर लगा सकते हो, वैसी ही लाइनर की शेप दे सकते हो। ये देखिए मैंने लाइनर लगाया। इसके बाद मैंने हल्का सा आई शेडो आईब्रो के नीचे जस्ट नीचे थोड़ा सा लाइट कलर दिया, जिससे मेरी आईब्रो अच्छे से इनहेंस हो सके। ये देखिए फिर मैंने लाइनर की हेल्प से आई लैसेस बनाई, हमारी आईज़ की जैसे आई लैसेस होती हैं मैंने वैसे ही आईलाइनर की हेल्प से ये देखिए लैसेस बनाई। फ्रेंड्स आप भी वीडियो को देखकर अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप भी अच्छा आईज मेकअप करना सीख जाओगे। और प्रैक्टिस अपने हाथ पर करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। जब आपके पास हाथ पे अच्छे से आई शेडोज लाइनर वगैरह लगाने आ जाएंगे तो आप आईज़ पे भी बहुत अच्छे से मेकअप कर सकोगे। ये देखिए लगभग मेरी लैसेस हो चुकी हैं कंप्लीट। मैं थोड़ी सी और फिनिशिंग दूंगी लाइनर से, जिससे मेरी आईज़ के लाइनर और आईब्रोज अच्छी लगें। फ्रेंड्स कलर्स आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहें वो यूज़ कर सकते हो। आप आईब्रोज़ का कलर ब्राउन भी रख सकते हो, ब्लैक भी रख सकते हो, जो आपको पसंद आए। मैंने इसमें आईब्रोज़ का कलर ब्लैक दिया है, वैसे ब्राउन भी आजकल ट्रेंड में है, ब्राउन भी अच्छा लगता है। ये ओनली प्रैक्टिस के लिए है फ्रेंड्स, और वैसे आपको जैसा पसंद हो आप वैसा कर सकते हो। फ्रेंड्स पार्लर से रिलेटेड मेरी बहुत वीडियो है, आप अगर मेरी वीडियोस देखोगे तो ऑनलाइन पार्लर कोर्स सीख जाओगे।
तो इसलिए मेरे चैनल को विजिट करें और जो भी वीडियो आपको पसंद आए अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ये देखिए मेरी आईब्रोज का फाइनल लुक। तो किस किस को मेरी ये आईब्रोज का ये आईज मेकअप अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट करिए फ्रेंड्स, और मुझे ये बताइए आप कहाँ से मुझे देख रहे हो। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि मुझे पता चले मेरी वीडियोस कहाँ तक पहुँची हुई हैं। ये देखिए मैं थोड़ा सा अगर मुझे कहीं कुछ लगता है तो मैं दोबारा अच्छे से फिनिशिंग दे दूँगी। फ्रेंड्स जब तक हमारा मेकअप कंप्लीट नहीं होता तो हम ऐसे ही फिनिशिंग करते रहते हैं।